हेलो जी। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं तो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं, टाइम नहीं पता आज क्योंकि मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग। और भाई एक मिनट देख के बता देता हूँ मैं आपको ना, भाई 7 बज चुके हैं, ज़्यादा निकल गए। और थोड़ी सी अपनी साइकिल की भी सर्विस करवानी है क्योंकि इसको भी बहुत दिनों बाद निकाला है। एक तो इसका ये वाला ब्रेक बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। चलो भाई अब आ चुका हूँ मैं घर के पास ही और टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं। और पीछे एक बार दिखाऊंगा क्या लिखता है, तो ये घर जाके दिखाऊंगा कैसे लिखा है और आज कहाँ जाने वाले हैं। आज जाने वाले हैं अपन होली का त्योहार देने। लिखा है इसमें ग्रेप्स। हुआ यूं कि मम्मी मेरे से कह रही कि तुम्हारे कमरे में धूप है ना, तो हमारे कमरे में मॉर्निंग में सुबह सुबह मतलब कि सूरज देवता की किरण आती है, तो मैं वो वाली धूप समझा। तो मम्मी अपनी बात बना ली। तो मम्मी कहाँ गई वो धूप? तो मम्मी कुछ ये थी ये वाली धूप है ना, मैं कमरे में चल के दिखाता हूँ। मम्मी आई मेरे पास, मम्मी आके कह रही छोड़ थर कमरा में वो धरी है ना, वो थर कमरा में धूप है ना। मैं कहूँ हाँ है हमारा कमरा में धूप। मैंने कि ये भी हमारे कमरे में धूप आती है सामने वाली विंडो से, जैसी सनराइज होता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे रूम में धूप आती है। अब मैं नहा लेता हूँ क्योंकि अब मैं हो रहा हूँ लेट और फिर चलते हैं। आज का अपना सारा दिन बिजी रहेगा, तो आज क्या क्या करने वाले हैं वो सब दिखाएंगे आज। भाई जी अंगूर घर रख लिए हैं और इनमें 3 पार्टीशन कर दिया, जो एक एक बुआ के देने यार कुछ पैसे देख के आने होते हैं, मतलब कि होली के नाम के। और इसमें रख लिए मैंने अपने लिए अंगूर। तो भाई मेरा ये सेंसर खराब हो रखा है, जो कि ये आवाज कर रहा है ना, ये वाला ये खराब हो रखा है, तो इसको करवाएंगे अपन जल्दी ठीक। ओहो शीशे को कर लेते हैं पहले साहब। तो भाई अपनी एक छोटी वाली जो बुआ जी है ना, वो तो घर पे है नहीं, स्कूल में ही है, तो उनका त्योहार स्कूल में देंगे। यार मेरे ये सेंसर हो गया खराब और ये साउंड करता है, मतलब बैक गियर लगाते के साथ एक्टिव रहता है परमानेंट। और भाई अंदर है ना डॉगी बहुत खतरनाक बैठा है इसमें, तो मैं चलता हूँ स्कूल में। मेरे को स्कूल का पता नहीं है, पहले पता करेंगे स्कूल का। भाई ये है स्कूल और यहाँ मिलेगी अपने को बुआ जी, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो ये मेरी साइड देख रहे हैं, ये मेरे सामने कार है 4-26-27-27 और इस बंदे ने लिख रखा है माई कार माई हार्ट बीट। और इस बंदे की कार अगर आप देख लोगे ना, इसकी हार्ट बीट इतनी गंदी हुई पड़ी है ना। हेलो जी। हेलो भाई, अभी पहुंच चुके ये चाय और ये दूध और भाई ये अंगूर। जय माता दी। सो गई थी है ना? मैं सो रही थी। जबी तो ले, सो जा थाली ने तू और के काम है सोन कोई काम। दिस इज ग्रेप्स, इसमें पता नहीं क्या है, इसमें पता नहीं क्या है, दोनों में से एक में छाए एक में दूध है। खाने का कुछ और सब्जी क्या है की है? आलू भी है, दाल भी है, मिर्च भी है, लड्डू वगैरह। लड्डू क्या है गए? सो गाइस लड्डू मिल गए खाने के लिए अपने को यहाँ पे। चाय बनाऊ कॉफी बनाऊ? रोटी खवा देना। बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ऐसा तो हो नहीं सकता मैं यहाँ और कुछ खा के ना जाऊं। तो भाई बहन जी है ना, देखो एक दिखाता हूँ मैं, गरम गरम रोटियां डाल रही है हमारे लिए ना, है बिल्कुल अभी अभी चून लगाया है, अभी अभी औसना है। भाई साहब बासा तो चून बासा तो चून प्रिज्मा तो निकालो। गरम हो चुके हैं। जस्ट जाओ। तो घी क्यों रख रही है? मेरा मत रखी, मेरा मत रखी ठीक है, मेरा मलून की मत धरी। गरम गरम रोटियां मस्त मजे आ जाएंगे भाई साहब खाने में। हाँ गरम गरम। अभी टाइम हो चुका है 12:05। भाई गरम गरम रोटियां खा ली और लस्सी वस्सी पी का मतलब पेट पेट देखो ये लिकड़िया है बाहर, लिकड़िया है देख बाहर लिकड़िया पेट मेरा। गाइज यहाँ चकुंदर का हलवा बना रखा था, ये देख लो ये चट कर रखी है बच्चों ने प्याली। अब हमने तो खाया नहीं, हम तो चेक किया नहीं, तो हम तो बता नहीं सकते कैसे बना था। वैसे पहली बार सुन रहा है कि चकुंदर का हलवा ठीक था हम आप सो आराम करो, आराम फरमाओ, हम लोग चलते हैं। भाई
बहन जी सो रही थी, अभी उठी, उठते ही के साथ चून लगाया, चून लगा के बस गरम गरम हमें रोटियां खिलाई ना, मैं घर से खा के आया था। सो भाई एक बात बताऊं मैं आपको ना, मतलब मैं घर से तब भी भिवाड़ी के लिए आता हूँ ना, तो मैं मतलब खाना खा के नहीं आता। मेरे को पता है मेरे को भिवाड़ी जाके मैं बहन जी का हाथ से खाना खाता हूँ पीछे पीछे आ रही है, सुन लिया होगा। तो गाइस मैं अभी बड़ी वाली बुआ जी घर आ गया, तो माँ जी मेरे से पूछ रही है भाई ये छल्ला वल्ला आप पूछा ना माँ है तो माँ कह रही भाई ये छल्ला क्यों गाल रखा है, तो मैं कह रहा था माँ मैंने चोटी बढ़ा रखी, कंपटीशन है मेरा। आ जा बैठ जा, माँ जी कहाँ जा रहे हो? मैं घर गई, भाई भी क्या करने आई थी। अच्छा अरे सिर चुआ आ रहा है ढाई। और भाई बुआ की जय बाबा की, बुआ की भी होली के त्योहार हम यहाँ देख के। और भाई ये गांव के बीचों बीच से सड़क है, हरियाणा में एक बात तो है भाई कि रोड तो सारे पक्के हैं। अभी भाई सनसेट आपने देखा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मतलब इसको रिकॉर्ड करने में ना बहुत मेहनत लगी, मैं एक जगह गाड़ी लगा के खड़ा हो गया और भाई यहीं से मैं इसको रिकॉर्ड करता रहा, क्योंकि मेरे को है ना एक दिन और मैं थोड़ा सा शाम को इवनिंग वॉक पे गया तो मैंने इसको मतलब सनसेट होते हुए देखा, तो मैंने सोचा था मैंने यार मैं इसको रिकॉर्ड जरूर करूंगा। और अब आते टाइम मैंने देखा कि हाँ यार ये लोकेशन भी ठीक है, यहाँ से मैं फोन लगा के साइड में बैठ गया, मैं देखता रहा। तो भाई ये रिकॉर्ड करने में लगा है मेरे को 20 से 25 मिनट लगे यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि मैंने टाइम स्लैप पे लगा के और फोन को उधर की साइड कर दिया था। तो चेक दिस आउट गाइस, सनसेट हुआ है 6:14 पे और भाई तेल की बत्ती भी बच चुकी है, हरियाणा में गए दलवा के नहीं रहे। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से घर, लेते हैं साथ। तो जनाब आ गए। हाँ भाई आज पूरे दिन क्या क्या, तो प्रोग्राम में थे ना आज, आप किन के घर थे आप, पसीने आ रहे कहाँ खेल के आ रहे हो? और यहाँ पर्दे उठा दिए हैं, यहाँ मम्मी है और अब जाके बात करेंगे मेरे से। हाँ भाई बता कैसी देखा है होली, कौन कौन मिला था, कैसे कैसे मिला था।